गार्ड पकड़ते हुए रखने की युवा ओपी को बट नॉक नहीं सिक्योर कर पाएंगे। पूरा स्प्रे गलत जगह पे कमिट होता हुआ और अभी भी रेकनिंग के प्लेयर बचे हुए थे उस लड़ाई में, बट आउट ऑफ नोवेयर लेब्रॉन नॉक और फिनिश। प्रिंस ने अब रीएंगेज किया और अब सही जगह गोलियां चला के अपनी टीम के लिए एडवांटेज गेन किया है इस फाइट में। तो दैट्स अ प्रॉब्लम विद सेनॉक, इतनी सारा बुशेस होती है कि अगर आप प्रोन कर जाने देन आपका एग्जिस्टेंस एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है। बट वहां पे पीछे से सोल का भी थोड़ा सा पोक प्रेशर आया, यहाँ पे बियर्ड बाबू विद अ रिकोशी ग्रेनेड, आई थिंक थोड़ा तो इन्होंने स्मोक कर अपने आप के लिए एक अच्छा सा, मैं बोल सकता हूँ, जोन बनाया, एक लेन फेस स्मोक कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। बट प्रिंस विद स्पैमिंग इन द स्मोक, ही इज मूविंग इन, युवा की एचपी का मैं एक गोली के मेहमान है ये प्लेयर, बट ध्यान देना पड़ेगा पीछे एक और प्लेयर है, टीपीपी का फायदा उठा सकते हैं। प्रिंस ही नीड्स टू गो बैक, ही गॉट वन, बट क्या कुछ और कर पाएंगे भाई पे। अक्षत भी बैक साइड से पूरा डैमेज देते हुए ग्लैडिएटर की शोगन भी परेशान है, बट प्रिंस टीपीपी का पूरा फायदा उठा रहे हैं और ये प्लेयर नॉक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो प्लेयर इस प्लेयर के सामने आ रहा है उसको एक एक कर गेम से बाहर निकाल दे, बट गॉब्लिन विद ए केएम दिस टाइम प्रिंस ही मेड अ ब्लंडर और गॉब्लिन इसका फायदा उठाएंगे। जी गुजरात टाइगर्स द थर्ड पार्टी किंग्स गेटिंग थर्ड पार्टीड और टीम सोल एक पॉइंट अपने लिए सिक्योर करने में कामयाब। अच्छी चीज ये थी कि प्रिंस को भी रियलाइज हुआ था कभी भी उनके ऊपर प्रहार हो सकता है, जाने से पहले रेकनिंग के जो दो प्लेयर्स उन्होंने नॉक करे थे उनका फिनिश सिक्योर करके गए हैं। एगी के ऊपर प्रेशर रहेगा, हाथों में डीबीएस मौजूद, बियर्ड बाबू ने एक ओपनिंग काइंड ऑफ एगी को दिला दी है बिकॉज अब कहीं ना कहीं ऑलराइट नहीं दिलाई। गुजरात टाइगर्स भी खत्म हुई है, साथ में टीम सोल ने दोनों को निपटाया आके। यू नो सोल ने यहाँ पर मेक श्योर किया, गॉब्लिन स्पेशली गॉब्लिन तीन फिनिशेस फिर से सबकी नाक में हमें दम करती हुई नजर आती है और गॉब्लिन जिस फॉर्म में चल रहे हैं लुकिंग एक्सट्रीमली डेडली। अक्षत अपनी टीम के लिए फ्रंट लाइन पे एंट्री क्रिएट करना चाहते हैं, टीम न्यूमन के प्लेयर्स को पीछे से आता हुआ देखा है टीम सोल ने और अब कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। अक्षत इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ताक लगा के बैठे हैं। सवितार काफी ओपन में बट मजे की बात देखिए ओमेगा किसी और टीम को परेशान कर रहे हैं और उन्होंने अभी अभी इनसेन के किसी प्लेयर को नॉक करा, वहीं पे सोमराज उस फिनिश को कंप्लीट करेंगे। एक ही ओपी अब गॉल्स रे इनको शिकार बना रहे हैं, थोड़ी देर पहले ओआर को परेशान करा था और अब वो यहाँ पर ओजी को पकड़ चुके हैं। बट टीम सोल इस पोजीशन से अक्षत ने मेजर क्रैक थ्रूस करे, अभी हील बैटल कर कुछ देर तो बिता सकते हैं जोन के अंदर बट ज्यादा देर ये जंग नहीं चलने वाली है। टीम सोल के पास अब 9 फिनिशेस आ चुके हैं, मुझे लगा था कि प्लेसमेंट पॉइंट सिक्योर करने चाहिए इस टीम को बट नहीं, इस मोमेंटम के साथ तो चिकन डिनर से कम कुछ भी कम इनको बहुत चुभने वाला है इस गेम के अंदर। रेवेनेंट ईस्पोर्ट सबसे बड़ा दिक्कत इनके लिए क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है, इनसेन के प्लेयर्स एंटिटी के साथ टकराने वाले हैं तो उनसे ज्यादा देर किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। बट जोन एक बार फिर से रेवेनेंट के सर के ऊपर जाके ही बना है और नजरों के आगे हम गॉड्स रेन को भी घुटने टेकते हुए देख रहे हैं। ब्लेज अकेले बचे हैं जिनके पास 6 फर्स्ट एड्स हैं तो, बट क्या ये हील बैटल स्ट्रैट इनके लिए सक्सेसफुल रहेगा? आई डोंट थिंक सो। यहां पे गॉब्लिन का स्लैम इन आया और उन्होंने अपनी एकेएम से ही इज जस्ट कलेक्टिंग सम फ्री फिनिशेस, अच्छी पोजीशनिंग, ओमेगा का शॉट कॉलिंग इस वक्त शॉट्स कर रहा है सब प्लेयर्स पे। सोल के प्लेयर्स चारों प्लेयर जिंदा है, द सुपर गुड पार्ट अबाउट द टीम्स, अब दो टीम्स हैं जिनके चारों चारों प्लेयर्स जिंदा है, एंटिटी एंड सोल। सोल को बस सब्र बांधना है, इस वक्त जो जोन कटा है उस जोन में कुछ कंपाउंड्स हैं और वो उन कंपाउंड्स का कंट्रोल है रेवरेंट के पास। अब मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अगर रेवरेंट ने ऑल इन करा उन जोन्स पर उन कंपाउंड्स पर, अगला सर्कल उनको मजबूर करेगा बाहर आने में और इस वक्त जो बार होल्ड कर लिया वो ही जीतेगा इस गेम। ये स्लैम इन रेवरेंट का कंट्रोल जीतना चाहते हैं जॉनी। वेल रेवरेंट का कंट्रोल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा लेकिन अपोलो अपनी डीबीएस के साथ अपनी शॉटगन के साथ सॉरी थोड़ी देर और उस कंट्रोल को मेंटेन करना चाहते थे। डीबीएस एमजे के हाथों में है और अब देखना होगा ये उसको रीगेन कर पाएंगे या नहीं। नो ही गेट्स शॉट इन द बैक बाय 8-bit और टीम 8-bit ने कहीं ना कहीं टीम सोल के लिए ये फाइट जाने अनजाने में एक मैनेजेबल पोजिशन में लाके बना दी है विद दैट एक्स्ट्रा फिनिश फ्रॉम द साइड ऑफ रेवेनेंट। सेंसे लास्ट प्लेयर बचे हैं, मोलोटोव फेंका गया है उनकी तरफ एंड इट इज परफेक्ट एक्स्ट्रा बिट ऑफ डैमेज। सेंसे बच नहीं पाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे उस शैक के अंदर अगर नहीं हुए तो आई थिंक एक बैकअप प्लान के लिए थोड़ी और यूटिलिटी यहाँ पे गॉब्लिन हमको इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। द नेड इट लुक्स गुड, विल ही सर्वाइव? नो ही डजंट।
नेट नहीं तो मॉलोटोव ही सही, चलिए फिनिश तो मिल गया। बट टीम सोल ने अपना एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक करवाया, दैट्स ओमेगा, हू इज बीन टेकन आउट। और टीम 8-bit, अब ये टीम सोल को खत्म कर सकते हैं। गॉब्लिन लास्ट प्लेयर बचे हुए अपनी टीम के। अब यहाँ पर चार टीम बची है 7 प्लेयर, और हमें यहाँ पे अपने फ्रेम में ज्यादा नहीं दिख रहे, 8-bit के प्लेयर्स देख रहे हैं, बट कुछ प्लेयर्स हैं। गमला बॉय आज भी ये प्लेयर इस स्टैट से करिश्मे कर रहा है, फर्स्ट एड है, मौका ढूंढ सकते हैं आखिरी कुछ पिक्सल के अंदर, जैसे कल ओमेगा ने मिरामार के अंदर चीजें बदली थी, शायद से कुछ और हो पाए। बट 8-bit का चिकन डिनर मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं छीन सकता। सोल ने जो अप्रोच ली थी ना रेवरेंट के अगेंस्ट, और मैं हर बार यही बोलता हूँ, डीबीएस वाला एक एंगल होल्ड करेगा, हाँ ही विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यस आप उसको भी फॉल बैक करवाने में मजबूर करेंगे। उन्होंने एक विंडो एक दरवाजा होल्ड कर रखा था, बट पीछे से प्लेयर आए और उन्होंने अपोलो को मारा। अपोलो को बचाने के लिए एमजे भागे और वो भी गेम गए। सेंसे अकेले होल्ड कर रहे थे और उनकी पोजीशन रिवील थी, वो भी यहां पे गेम से बाहर गए। बट 8-bit वर्सेस सोल, कौन जीतेगा? और गॉब्लिन द मॉन्स्टर 11 फिनिशेस ऑलरेडी, और ये प्लेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कहां से ला रहा है इतनी यूटिलिटीज? ये नेड और मोलोटॉव की दुकान खोल रखी है। अभी भी 6 नेड्स और बचे हैं यहां पे गॉब्लिन के पास, एंड द यूसेज ऑन दैट यूटिलिटी इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। लास्ट नेड ने मैडमैन को डैमेज दिया था, इस वाले ने भी थोड़ा सा डैमेज दो दिया है। गॉब्लिन को बच के रहना होगा। इन्होंने ओमेगा को गेम के अंदर वापसी दिलाई, उनका रिवाइव बहुत इंपॉर्टेंट था। गमला बॉय जाते जाते कोशिश करना चाहते थे एक एक्स्ट्रा फिनिश पॉइंट की, लेकिन अब रोड पार करके दूसरी तरफ पहुंच चुके ओमेगा, मॉलोटॉव डाल के 8-bit को और बड़े डिसएडवांटेज में डाल जाते हैं। 8-bit का प्लेयर नॉक हो चुका है, मैडमैन इज डाउन, दिस डिनर हैज बीन स्टोलन एंड हैज बीन स्टोलन बाय टीम सोल। लास्ट प्लेयर बचे थे, उनको भी फिनिश करके आपने कहा था 8-bit का गेम होगा। टीम सोल